क्वालिफायर टू मुकाबले में हार के बावजूद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को मिली बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। राजस्थान रॉयल्स के सामने क्वालिफायर मुकाबले में हार के बावजूद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बड़ी खुशखबरी मिली है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार क्या है वो खुशखबरी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी फाइनल में पहुँचने का एक और मौका मिलना चाहिए या नहीं। आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और साथ ही दोस्तों आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अभी भी सपोर्ट करते हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। पहले तो इस टीम ने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एलिमिनेटर में इस टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हरा कर क्वालिफाई टू में अपनी जगह पक्की की। हालांकि दोस्तों क्वालिफाई टू मुकाबले में टीम का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और राजस्थान रॉयल्स के सामने एक तरफा मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही विराट कोहली का एक बार फिर आईपीएल जीतने का सपना टूट गया है। लेकिन दोस्तों इस साल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए सबसे अच्छी खबर या फिर यूं कहें खुशखबरी की तो इस टीम के पास कई ऐसे बल्लेबाज मिले हैं जो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस साल विराट कोहली का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने यहाँ तक का सफर तय किया और नंबर 3 टीम रही है आईपीएल 2022 की। लेकिन दोस्तों इस टीम के लिए सबसे बेहतरीन बात जो रही है वो है रजत पाटीदार के रूप में इस टीम को एक ऐसा बल्लेबाज मिला है जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है और अगले साल इस टीम के लिए एक बार फिर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। क्योंकि रजत पाटीदार अनसोल्ड प्लेयर थे जिनको किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पर वो टीम के साथ जुड़े और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 2 अर्धशतक और 1 शानदार शतक जमाया था। एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत के सबसे बड़े हीरो भी वही रहे थे, क्योंकि टीम यहाँ पर जीत तक नहीं पहुँच सकती अगर रजत पाटीदार नहीं होते तो। लेकिन यहाँ पर उनका शानदार परफॉर्मेंस उनको एक कदम और ट्रॉफी के नज़दीक ले गया। हालांकि वो ट्रॉफी जीतता नहीं पाए थे लेकिन यहाँ पर नज़दीक तो लेकर गए। इसके अलावा दोस्तों दिनेश कार्तिक ने भी इस टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो एक बार फिर अगले साल ये टीम और भी मजबूत होकर आ सकती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी एक खुशखबरी तो ये रही कि ये टीम इस बार नंबर 3 पर रही। हालांकि खिताब की ट्रॉफी इनसे एक बार फिर दूर रह गई और 15 सालों का इंतजार अब 16वें साल तक और बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जबरदस्त वापसी करेगी और आईपीएल 2023 की ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन दोस्तों इस साल का सपना इनका जरूर टूटा, लेकिन आप रॉयल चैलेंजर के अभी भी फैन हैं और चाहते हैं कि अगले साल ट्रॉफी जीते तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।